नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच ओल्ड ट्रेफर्ड मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम को पहला झटका 36 रन के स्कोर पर, वहीं दूसरा झटका 43 रन के स्कोर पर गिरा था। पाकिस्तान टीम का दूसरा विकेट कप्तान अजहर अली के रूप में गिरा और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। पाकिस्तान टीम गहरे संकट में नजर आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से टीम के धाकड़ बल्लेबाज बाबर आजम ने न सिर्फ टीम को संभाला बल्कि टीम के स्कोर को 100 के पार भी ले गए। बाबर आजम ने शान मशूद के साथ 139 गेंदों पर 78 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी की। इस दौरान बाबर आजम ने 70 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। पिछले 8 पारियों में बाबर आजम के स्कोर्स की बात करें तो 104, 97, 8, 102 नॉट आउट, 60, 100 नॉट आउट और 143 रन थे। अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन उन्होंने अर्धशतक जड़ अपने रिकॉर्ड्स को और भी बेहतर कर दिया है। एक तरीके से देखा जाए तो ये लगातार 5वीं पारी है जहां उन्होंने अर्धशतक जड़ा है, जिसमें 3 तो सिर्फ शतक हैं। और जिस तरीके से बाबर आजम बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक और शतक उनके नाम होता हुआ साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें, बाबर आजम ने 70 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 9 चौके लगाए। हालांकि शुरुआत में वो काफी धीमे अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद उन्होंने मैदान के चारों ओर खूबसूरत शॉट्स लगाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।